दीपक भान यानी कि मिल्खात, इन्होंने इस दुनिया को आज ही अलविदा कह दिया। काफ़ी शॉकिंग भरा था, 41 इयर्स की उम्र में उन्होंने इस तरीके से अचानक से दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके चलते पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टीवी वर्ल्ड, उनके घर वाले, उनके कॉलीग्स, उनके चाहने वाले सभी लोगों को एक बहुत ही बेहद शॉक देने वाला इंसिडेंट हुआ, जो बिल्कुल भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा कहा जा रहा था कि वो आज शूट पे जाने से पहले अपने ही खुद के सोसाइटी के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने एक ओवर खेली थी, 6 बॉल्स खेले, और उसी बीच जो है उनके सिर के ऊपर जो उन्होंने टोपी पहनी थी वो नीचे गिर गई थी, और उसे उठाने की जब उन्होंने कोशिश की तब उनके नाक से जो है खून आने लग गया और अचानक से ही वो कोलैप्स हो गए। आसपास के जो लोग थे उन्हें तुरंत से पास के ही हॉस्पिटल में लेकर गए, जहाँ पे उन्हें ब्रॉड डेड का करार दे दिया गया। अभी तक उनके मौत के पीछे की वजह कहीं नहीं जा रही। कुछ लोग कह रहे हैं उनके आँखों से भी खून आ रहा था, कोई कह रहा है उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। बहुत ही ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखते थे, कभी कभी ओवर एक्सरसाइज कर लेते थे, और इस वजह से जो है ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से जो है उनकी इस तरीके से अकाल मृत्यु हुई। और ऑफकोर्स उनके एक 18 महीने का छोटा सा बेटा है, और अभी अभी 2019 में उनकी शादी हुई थी, मुंबई में अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहते थे। उनके लिए कितना बड़ा शौक होगा, कितना बड़ा दुख का पहाड़ जो है उनके ऊपर आ गिरा होगा। हम तो यही कहेंगे कि दीपेश जी की आत्मा को शांति मिले, और उनके जो परिवार के लोग हैं उन्हें इस बुरे वक्त से बाहर निकलने के लिए भगवान शक्ति दे। ओम शांति।